हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्वादिष्ट रेसिपी में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें मेरे सभी नए वीडियोस को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ फिर से एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आज मैं आप लोग के साथ वाटरमेलन के जूस की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि मैंने चार तरीके से बनाया है। तो फ्रेंड्स, इस चार तरह के नए जूस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कटे हुए वाटरमेलन के पीसेस लिए हैं, जिसे मैंने सीड्स निकाल दिया है। कुछ फ्रेश मिंट लीव्स ली हूँ मैं, और लेमन स्लाइस ली हूँ, और ये थोड़ा सा मैं ली हूँ शक्कर, चिया सीड्स, ब्लैक सॉल्ट और रोस्टेड जीरा पाउडर। और इन सभी जूस को बनाने के लिए हमें आइस क्यूब्स और बिल्कुल चिल्ड वाटर का यूज़ करना है। सबसे पहले मैं बनाऊँगी वाटरमेलन और मिंट जूस। इसके लिए मैंने कुछ चॉप किए वाटरमेलन को डाल दिया है एक जार में, और स्वीटनेस के अकॉर्डिंग चीनी डालेंगे। चीनी की जगह आप मिश्री का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़े से फ्रेश मिंट लीव्स, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैंने लेमन का एक स्लाइस लिया है, उसका जूस निकाल के मैं इसमें डाल दूँगी। ध्यान रहे लेमन का सीड्स इसमें नहीं जाना चाहिए। और जूस डालने के बाद अब हमें इसे ग्राइंड करना है। आपको अगर ज़रूरत लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दें। तो मैंने इसे ग्राइंड कर दिया है, इसे ग्लास में मैं निकाल ले रही हूँ। ग्लास में निकालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा चिल्ड वाटर मिक्स कर दूँगी। बिल्कुल ठंडा ठंडा हमारा ये जूस बनकर तैयार है। इसमें थोड़ा सा डालेंगे ब्लैक सॉल्ट। आप अगर व्रत के दिनों में बना रहे हैं तो आप ब्लैक सॉल्ट को भी स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे रोस्टेड जीरा पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जीरा पाउडर हमारे पेट को बहुत ही ठंडा रखता है और बहुत ही रिफ्रेशमेंट फील होता है, तो इसलिए मैंने इसमें जीरा पाउडर का यूज़ किया है। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ये हमारा मिंट लीव्स वाटरमेलन का जूस बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, अभी हमें बनाना है वाटरमेलन लेमनेड। इसके लिए मैंने दो बड़े पीसेस डाले हैं वाटरमेलन के ग्राइंडर जार में, और इसमें डाल देंगे स्वीटनेस के अकॉर्डिंग शुगर यानी चीनी। और अभी हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर इसे ग्राइंड कर लेना है। वाटरमेलन का जूस मैंने निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है कि एक ग्लास लेना है, उसमें डालेंगे कुछ फ्रेश मिंट लीव्स, और एक से दो लेमन के स्लाइसेस डालेंगे, और दो से तीन वाटरमेलन के छोटे छोटे पीसेस डालेंगे, और इनको एक बेलन की हेल्प से उसको हल्का सा क्रश करना है हमें, ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, रिफ्रेशिंग आएगा वाटरमेलन लेमनेड में। तो मैं इसे क्रश कर देती हूँ थोड़ा सा। तो ये देखिए, मैंने इसे क्रश कर दिया है। अब मैं लूँगी 5 से 6 आइस क्यूब्स, जिसे मैं ग्लास में डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें आइस क्यूब डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे वाटरमेलन जूस जो हमने तैयार किया है। तो 1/2 ग्लास वाटरमेलन जूस डाल देंगे, और साथ में ही डाल देंगे बिल्कुल ठंडा पानी। तो इससे हमें बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। पियेंगे हम तो हमारे पेट के लिए भी बहुत ये ठंडक देने वाला होगा। और तो मैंने इसमें डाल दिया, और साथ में ही डाल देंगे थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और रोस्टेड जीरा पाउडर। जैसा कि मैंने बताया था, जीरा पाउडर हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और ब्लैक सॉल्ट भी। तो इन दोनों को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है सारे इंग्रेडिएंट्स को। अब हमारा वाटरमेलन लेमनेड बनकर तैयार है। इसे मैं डेकोरेट कर दे रही हूँ वाटरमेलन स्लाइस और लेमन स्लाइस से। ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमें बनाना है सब्जा सीड्स और वाटरमेलन का शरबत। तो इसके लिए मैं 2 चम्मच सब्जा सीड्स को डाल दी हूँ ग्लास में। इसको मैंने ऑलरेडी पानी में सोख करके रख दिया था, और जो हमने जूस तैयार किया था ना वाटरमेलन लेमनेड के लिए, तो उसमें से आधा ही जूस हमने यूज़ किया था। आधे जूस को इसमें डाल देंगे, और साथ में डाल देंगे बिल्कुल चिल्ड वाटर, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसमें चीनी डाला हुआ था वाटरमेलन के साथ ग्राइंड करते समय। तो मैं चीनी का भी नहीं यूज़ कर रही हूँ, और वाटरमेलन भी मीठा होता है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा डाल दे रही हूँ लेमन जूस, और इसको डालने के बाद फिर थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और हमारा तैयार है ये वाटरमेलन और सब्जा का शरबत। बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक हमारा बनकर तैयार है। वाटरमेलन और सब्जा सीड्स के शरबत को सर्व करते समय डाल दें इसमें 3 से 4 आइस क्यूब, और इसे डेकोरेट कर दें मिंट लीव से, ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा, और ये बहुत ही हेल्दी है हमारे लिए। तो ये हमारा तीसरा ड्रिंक भी बनकर तैयार हो गया है। अब हमें बनाना है वाटरमेलन का मिल्क शेक। तो इसके लिए मैंने 5 से 6 क्यूब्स वाटरमेलन के डाल दिए हैं, जिससे मैंने सीड्स निकाल दिया था। अपने स्वीटनेस के अकॉर्डिंग शुगर ऐड करेंगे,
हाफ ग्लास इसमें बिल्कुल ठंडा दूध डालेंगे और 4 आइस क्यूब मैंने डाल दिया है। इसे मैं ग्राइंड कर ली हूँ, चर्न करके हमें ग्राइंड करना है। अब मैं इसे ग्लास में निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा वाटरमेलन मिल्क शेक। लेकिन इसे और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट देने के लिए इसमें कुछ वाटरमेलन के स्लाइस को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में चॉप करके डाल देंगे, ताकि ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और थोड़ा सा इसमें सब्जा सीड्स डाल देंगे इसे हेल्दी बनाने के लिए। ये हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इसे मैं डाल दे रही हूँ और फिर ऊपर से थोड़ा सा वाटरमेलन क्यूब्स और डाल देंगे, ताकि ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगे पीने में और भी ज़्यादा ये हेल्दी होगा हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए तैयार है हमारा वाटरमेलन मिल्क शेक। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितने आसानी से 4 तरह का हमारा वाटरमेलन का ड्रिंक बनकर तैयार है। समर स्पेशल ड्रिंक है ये, बहुत ही हेल्दी टेस्टी हमारा ये ड्रिंक बनकर तैयार है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलें। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।